रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़ की धनराशि प्रदान की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए दिए गए इस सहयोग के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनंत अंबानी का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी की ओर से रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी सहायक तनय द्विवेदी और मुख्यमंत्री के सलाहकार वीडी सिंह ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 25 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रिलायंस इंडस्ट्री का आभार व्यक्त किया है। सुकमा से बड़ी खबर है जहां इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर समर्पण किया गया। सुकमा बीजापुर में कई वारदातों में शामिल थे। 1 महिला 2 पुरुष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा से बड़ी खबर, सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी आज आत्मसमर्पण किया है। घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा बीजापुर में ये कई वारदातों में शामिल थे। 1 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। तो घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, बड़ी कामयाबी। इस अभियान को लगातार मिलती हुई सुरक्षा बलों को भी मिलती हुई। सुकमा से बड़ी खबर, इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। 2 पुरुष नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। सत्यनारायण, एक बड़ी सफलता हम कहेंगे सुरक्षा बलों के लिए और घर वापसी अभियान में। जी, आपको बता दूं कि ये सफलता सुरक्षा बल के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि ये तीनों नक्सली जो है सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और कई घटनाओं में ये शामिल भी थे, जिसमें एक जो महिला नक्सली जिस पर 8 लाख का इनाम है वो बटालियन में सक्रिय थी। बटालियन का लीड जो है खूंखार नक्सली हिड़मा करता है, उस हिड़मा की बटालियन की वो सदस्य रह चुकी है और साथ साथ जो है 2 पुरुष नक्सली भी जो है वो भी सरेंडर किए हैं और तीनों निश्चित तौर पर सरेंडर करने के बाद में जयगुंडा इलाके में काफी शांति रहेगी, सीमावर्ती क्षेत्र में काफी जो है शांति भी रहेगी और साथ साथ जो है आने वाले दिनों में पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता हासिल होगी। उनसे जो जानकारी मिलेगी उस दिशा में जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, 17 बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बुरहानपुर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शिकारपुरा इलाके में जलभराव की वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं बैतूल में उफनती नदी को